जय मसीह की। दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है मत्ती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसका 28वां, 29वां और 30वां वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटे जा आज दाख की बारी में काम कर। और उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा, परंतु वो नहीं गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर वैसा ही कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी उसके बाद वो पछताया और गया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन मुझे बताता है, मुझे याद दिलाता है यहूदियों और गैर यहूदियों के बारे में। परमेश्वर ने इज़राइल को अपना राज्य बनाया, इज़राइल को चुना, लेकिन वो इज़राइल जब मिस्र से बाहर आए तो वो परमेश्वर को पहचान नहीं सके, वो यीशु मसीह को जान नहीं सके, वो परमेश्वर की योजनाओं को, उसके सामर्थ को, उसके चमत्कारों को, उसके चिन्हों को देखते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। लेकिन उधर ही गैर यहूदियों को जैसे ही उसका सुसमाचार फैला, उन्होंने मन फिराया और वो परमेश्वर के चरणों में हो गए। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम कई बार ऐसे शख्सों से मिलते हैं, ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये यीशु मसीह में बहुत आगे बढ़ेंगे, ये यीशु मसीह के चेले बनेंगे, ये यीशु मसीह का राज्य बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो यीशु मसीह को जानते नहीं है, वो नकारते हैं, वो नहीं आना चाहते प्रभु के चरणों में। वो कहते हैं मैं खुश हूं, लेकिन जब वो मन फैलाते हैं, जब वो पश्चाताप करते हैं तो हम पाते हैं कि वो कहां से कहां बढ़ते जाते हैं। उनमें अद्भुत तरीके से आशीष मिलता है, वो समर्पित हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से संसार को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं। हालेलुया। शौल जो कि एक व्यवस्था को मानने वाला एक शख्स था, जिसने मसीहियों को बर्बाद किया, जिसने मसीहों को दुख पहुंचाया, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने, जैसे ही यीशु मसीह ने उसको छुआ, शौल पौल बन गया और उसने तकरीबन 14 किताबें लिखी बाइबल में। उसने वो ज्ञान दिया, उसने सुसमाचार का वो रहस्य हमें बताया जो उसके चेलों ने नहीं बताया, क्योंकि उसको चुना गया था, क्योंकि उसके मन को परमेश्वर ने छुआ था, क्योंकि वो मन से परमेश्वर के चरणों में आया था। दोस्तों, हम जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो हमें पूरे मन से परमेश्वर के चरणों में आना है। दोस्तों, मैं बॉलीवुड से आता हूं, मैं 5 फिल्मों का तकरीबन हीरो रह चुका हूं, कई सीरियल्स मैंने डायरेक्ट की हैं, मैं एक गॉस्पल सिंगर भी हूं और मैं उससे पहले दूरदर्शन पर अनाउंसर था, दूरदर्शन पर मैं न्यूज पढ़ा करता था। लेकिन मैं एक हिंदू परिवार से हूं। जब मसीह के भाई लीडर्स आए मेरे पास और उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, मैं नकारता रहा और मैं उनकी नहीं सुनता था। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, पहले मैंने उनको मना किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुआ और परिवर्तित किया और आज ये हालत है कि मैंने 10 साल से इंडस्ट्री छोड़ दी है, मैंने पूरी तरीके से इंडस्ट्री छोड़ दी और मैं परमेश्वर का दीवाना हूं, मैं परमेश्वर के लिए संसार को छोड़ चुका हूं, यहां तक कि मेरा परिवार मुझसे नफरत करता है, मैं अपने परिवार के लिए मर चुका हूं लेकिन मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं। हालेलुया। तो दोस्तों, जब कभी हमें कोई ऐसा शख्स मिले जो नानुकुर करता है तो हमें निराश नहीं होना है कि अरे नहीं भाई, ये हमारी ये परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुन रहा है, ये परमेश्वर को नहीं जान रहा है। नहीं, हमें अपनी कोशिशों को खत्म नहीं करना है, हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी है, क्योंकि क्या पता परमेश्वर उसके मन को बदले और वो शाउल से पौल बन जाए। क्योंकि आज भी परमेश्वर ऐसे पौलुस को ढूंढ रहा है, ऐसे पौलुस को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की जबान को, परमेश्वर के हृदय को समझे और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए समर्पित हो जाए। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल झिझकना नहीं है। ये वचन मुझे याद दिलाता है, ये वचन मुझे याद दिलाता है, बड़े बेटे ने कहा मैं जाऊंगा, वो नहीं गया। वो जानता था पिता को, वो जानता था परमेश्वर के काम को, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन छोटा बेटा जिसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में पश्चाताप किया, मन फिराया और वो गया और वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरा उतरा है। तो दोस्तों, हमें निराश नहीं होना है, हमें जब सुसमाचार सुनाना है, ऐसे शख्स, ऐसे भाई, ऐसी बहन आएंगे जो पहले परमेश्वर को, जो पहले यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमें दृढ़ता के साथ उनके जीवन में उनके साथ रहना, उनके पीछे रहना है और उनको सुसमाचार सुनाना, उनके लिए प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि क्या पता कौन उनमें से मरियम निकल जाए, कौन पौलुस निकल जाए, कौन पतरस निकल जाए और परमेश्वर का राज्य बढ़े।
यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं, ये विचार जो मेरे मन में आया मैंने आपके साथ बांटा, मैं विश्वास करता हूं कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे साथ है और इस वचन में परमेश्वर की हम शक्ति और ज्योति को महसूस करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए, सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगते हैं। आमेन, आमेन।